विजय पर्व। पात्र परिचय: तैमूर, मंगोल आक्रमणकारी। जफर, तैमूर का सरदार। अली बेग, तैमूर का सिपाही। मुबारक, तैमूर का सिपाही। कल्याणी, ग्रामीण महिला। बलकरण, कल्याणी का पुत्र। कुछ ग्रामीण। स्थान: गांव का एक छोटा सा घर। प्रातः 8 बजे का समय। कल्याणी अंगीठी पर खाना बना रही है। वह कोयला डालकर आग तेज कर रही है। पास ही तख्त पर उसका बेटा बलकरण पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण: देखो ना मां, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा। उठकर बलकरण के पास आकर: अरे, तू आज चाकू क्यों तेज कर रहा है? आज तो तेरी वर्षगांठ है। चाकू तेज करना रोक कर: वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ? मां, पिछले साल आपने हथियारों की पूजा की थी, क्या इस बार भी उसी तरह हथियारों की पूजा करेंगी? हां बेटा, बिल्कुल उसी तरह। इस वर्षगांठ पर तू 12 साल का हो गया। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इसी तरह बहुत सी वर्षगांठें मनाए, तू दिन दुगना रात चौगना बढ़े। बताओ ना माँ, मेरी वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? क्या करूंगी? अपने बेटे को फूलमाला पहनाऊंगी, मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और फिर आशीर्वाद दूंगी। माँ, क्या मिठाई और खीर बन गई? बेटा, मिठाई तो बन गई, बस दूध आ जाए, खीर तो जल्दी ही बन जाएगी। अभी तक दूध नहीं आया, जाऊं मैं ले आऊं? नहीं, तू कहां जाएगा? सुजान आता ही होगा। सुजान का घर है ही कितनी दूर, मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, जाओ, पर जल्दी लौटना। उठता है: मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूं। मेरा चाकू भी तेज हो गया, इसे अपने साथ रखता हूं। बलकरण की ओर देखती हुई: मेरा भोला बच्चा बलकरण, अभी से कैसी वीरता की बातें करता है। तभी शोर और भगदड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। कल्याणी बाहर झांकती है, घर में प्रवेश कर: तुरक आ गया, भागो, तुरक आ गया। घबरा कर: कहां है तुरक? यह बात करने का वक्त नहीं है, सबको लेकर तुरंत जंगल में छिप जाओ। आगे बढ़ती है: यह कैसी भगदड़ मच रही है? बहन, जल्दी भाग चलो, तैमूर आ गया है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे, कैसा तैमूर? कौन तैमूर? अरे, मेरा बेटा तो बाहर गया है। चलोगी नहीं क्या? वह आया, वह आया। बलकरण, बलकरण! भगदड़ की आवाज होती है: बलकरण कहाँ गया है? वह तो सुजान के घर दूध लेने गया है। सुजान के घर? तब तो बहुत अच्छा है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसका घर कोने में है और तैमूर सीधे रास्ते से चला आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? तैमूर तुरक अपनी भारी फौज लेकर आ रहा है। बहन, अब समय नहीं है, जल्दी से जाकर तल घर में छिप जाओ। नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण को छोड़कर नहीं जा सकती। बलकरण बेटा, बलकरण! बहन चुप रहो, कहीं तुरक सुन न ले, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हिंदू ग्रामीण हाथ पकड़ कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर बलकरण धीरे धीरे गूंज कर शांत हो जाता है। कुछ स्तब्धता, फिर भगदड़ की आवाज। तभी तेजी से 3 सैनिक घर में घुसते हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। वे सब घर में रखे सामानों की तोड़फोड़ करते हैं। जफर: कोई नहीं है, सब भाग गए। मुबारक, हम लोग कत्ल करने नहीं आए हैं, हमारा मकसद केवल सोना चांदी लूटने का है। देखो घर में कुछ है? मुबारक इधर उधर देखता है: सरदार, यहां तो कुछ भी नहीं है, यह मामूली सी झोपड़ी है, यहां सोना चांदी कहां मिलेगा? देखो उस कोने में क्या रखा है, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, सरदार ये है। शाबाश, क्या सोना चांदी? नहीं सरदार, सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है,
जिसकी हम लोगों को सख्त जरूरत है। क्या सरदार, ये तो बढ़िया भोजन और मिठाइयां हैं। सरदार, आप भूखे हैं, कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, फेंक दो। अच्छा, इधर लाओ। अली बेग लाता है, जफर उसे हाथ से छूता है। हाँ, गरम मिठाइयां हैं, लो तुम लोग भी लो, भूखे हो गए। तीनों मिलकर मिठाइयां खाते हैं। जफर, वाह क्या स्वादिष्ट मिठाइयां हैं, यहां लोग मिठाइयां बनाना भी खूब जानते हैं। दो दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। सरदार, उन्होंने यह समझा होगा कि ये मिठाइयां खाकर हम लोगों का क्रोध कम हो जाएगा और हम लूटमार कम करेंगे। हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा। सब हंसने लगते हैं, तभी तैमूर का प्रवेश। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं, मिठाइयां फेंक कर तुरंत खड़े हो जाते हैं। तैमूर तीव्र स्वर में, तुम लोग इसी तरह हिंदुस्तान की दौलत खाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। यहां बैठकर तुम लोग नाश्ता कर रहे हो, कहकहे लगा रहे हो। मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बजाय खाना ढूंढे। तुम लोग यहां मौज से खाना खा रहे हो और गाजी तैमूर 3 दिन से भूखा रहकर रात दिन हुक्म दे रहा है। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? आपने हुक्म दिया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है? तुम लोग सिपाही हो, तुम्हारी तलवार पर खून का एक धब्बा तक नहीं है। तुम लोग तैमूर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अच्छा जाओ, आज शाम तक अमरकोट पहुंचो। गला सूख रहा है, 3 दिनों से खाना नसीब न हुआ, सब खाली, कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में आराम कहां। मां मां, मैं यह दूध ले आया। दूध? यह सब क्या है? ए तुम कौन हो? मां मेरी मां कहां है? खामोश, तुझे गाजी तैमूर से बात करने की तमीज नहीं है। गाजी तैमूर? तुम्हें गाजी तैमूर के बारे में मालूम नहीं, जिसके कदमों में दुनिया का जर्रा जर्रा सिर झुकाती है? बच्चे, मेरी तलवार से पूछो, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। जरा ठहरो, यह दूध मुझे दो। नहीं नहीं, यह दूध मैं नहीं दे सकता, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है, मेरी मां इससे खीर बनाएगी। अब बताओ, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? क्या क्या तुम वही तुरक हो जो खून बहाना चाहते हो? मेरी मां यही कहती थी। तू बड़ा निडर लगता है, मेरे सामने आ, मेरी तलवार का प्रहार सह। मेरे पास एक चाकू है, मुझे भी तलवार दो, तब सामना करूं। ओह ओह, तू मुझसे लड़ना चाहता है? अच्छा, पहले दूध पी लूं, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध का बर्तन उठाकर दूध पीता है। तभी बलकरन दौड़कर तलवार उठा लेता है। अरे मेरी तलवार! अब तुम्हें यह तलवार नहीं मिलेगी, अब तुम सामने आओ और हमसे लड़ो। शाबाश बच्चे, लेकिन यह तलवार तुझसे संभल नहीं पाएगी। लाओ तलवार मुझे दे दो। जैसे दूध छीन लिया था, तलवार भी छीन लो। छीन लू? लेकिन लड़ने वाले वार करते हैं, छीनते नहीं हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है बच्चे, तू तो बड़ा बहादुर मालूम होता है, मेरी फौज में शामिल होगा। नहीं, अब तू हमसे नहीं बचेगा। यह रही मेरी तलवार। छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास चाकू है, मैं चाकू से ही लड़ूंगा। चाकू से लड़ोगे? चाकू से? तुझे क्या मालूम, थोड़ी देर पहले ही इसे मैंने तेज किया है। देखो इतना तेज है कि मेरी उंगली से खून निकाल सक। शाबाश, तू तो बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाला बहादुर, तेरा क्या नाम है? दुश्मन नाम नहीं पूछता है, वार करता है। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। बता क्या नाम है तेरा? बलकरन। बलकरन, बलकरन, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरन, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता,
जिसने दूध देकर मेरी थकान दूर की है, मैं उसके खून से अपनी तलवार नहीं रंगूंगा। लेकिन दूध मैंने दिया नहीं, तुमने छीन लिया था। एक ही बात है, मैंने तुम्हारा दूध पिया है, मैं तेरी जान बख्शता हूं और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू तो मेरा बहादुर दोस्त है चाकू वाला, मांगो, क्या चाहते हो? मेरी मां कहां है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सिपाहियों ने किसी का कत्ल नहीं किया है, उनकी तलवारों पर खून का एक धब्बा नहीं था। अगर आप मेरी मुराद पूरी करना चाहते हैं तो मेरे गांव से बाहर चले जाइए। ठीक है, मैं अपने दोस्त की मुराद अवश्य पूरी करूंगा, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। तेरा दूध और तेरा चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई है। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, आज किया है। तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। सलाम। तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। खुदा हाफिज। मां मां मां। बेटा बेटा। अरे मां, तू रो क्यों रही है? तू कहां थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। बलकरण के शरीर को देखकर, तुझे कोई चोट तो नहीं आई? नहीं मां, चोट नहीं आई। तैमूर के सिपाहियों ने तुझे हाथ नहीं लगाया? जब तैमूर ने नहीं लगाया तो सिपाही क्या लगाते? क्या तैमूर यहां आया था? हां मां, उसने मेरा सारा दूध पी लिया। बेटा, वे लोग तो खून पीते हैं, बताओ कैसा था तैमूर? तैमूर रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक और हाथ में तलवार। लेकिन मां, मेरे पास भी चाकू था, वह मुझे चाकू वाला बहादुर कह रहा था। अच्छा मां, मैंने कहा मेरा चाकू बड़ा तेज है और उसे अपनी उंगली चीरकर दिखला दी, देखो यह खून। अरे ये खून, तेरी उंगली से तो अभी भी खून निकल रहा है, क्या तुमने चाकू से उस पर वार किया? नहीं मां, मैं लड़ना चाहता था पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। अरे वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर बन गया। लेकिन मां, तैमूर तो लंगड़ा था, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता। हाँ, लंगड़ा कभी ना बने, भगवान तुझे लंबी आयु दे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उसने मेरे बच्चे की रक्षा की। यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है और सिपाहियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैंने इतनी बढ़िया मिठाई बनाई थी, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ और मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन लगा दे। ओह, बेटे को गले से लगाती है, फिर खिड़की से उड़ती हुई धूल को देखकर, यह धूल कैसी उड़ रही है? लगता है फिर कोई आ रहा है क्या? नहीं मां, तैमूर व उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। वे तो गांव लूट रहे होंगे, खून बहा रहे होंगे। नहीं मां, मैंने उन्हें गांव से बाहर जाने को कह दिया था। भला वो तेरा कहना क्यों मानेगा? उसको मानना ही पड़ेगा मां, तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक मुराद पूरी करने को कहा था। अच्छा, बेटे को हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हूं। तब मेरी उंगली से खून लेकर मुझे तिलक लगा दो। हाँ मेरे लाल, मेरे वीर बालक की वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाएगी। कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर उसे तिलक लगाती है। रामकुमार वर्मा।